दोस्तों इंडियन सिनेमा में अभी सिर्फ 5 ऐसी फिल्में हैं जिन्होंने बॉक्स ऑफिस पर 1000 करोड़ से ज्यादा का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया है। तो वो मूवी कौन सी है, कब रिलीज हुई है, सब कुछ आप लोगों को इस वीडियो में बताएंगे। तब तक अगर आप लोग इंडिया से हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना दोस्तों। जिसमें नंबर 5 पर आती है पठान। इस मूवी के लीड रोल में शाहरुख खान, दीपिका पादुकोण और जॉन इब्राहिम है और इस मूवी की रिलीज डेट 25 जनवरी 2023 है। नंबर 4 पर आती है ट्रिपल आर। इसके लीड रोल में जूनियर एनटीआर और रामचरण थे। ये मूवी 24 मार्च 2022 को रिलीज हुई थी। नंबर 3 पर आती है KGF Chapter 2। इसके लीड रोल में रॉकिंग स्टार यश, रवीना टंडन और संजय दत्त थे और ये मूवी 14 अप्रैल 2022 को रिलीज हुई थी। नंबर 2 पर आती है मूवी बाहुबली। इसके लीड रोल में प्रभास थे और ये मूवी 28 अप्रैल 2017 को रिलीज हुई थी। तो वहीं नंबर 1 पर आती है मूवी दंगल, जिसने इंडियन सिनेमा में इतिहास रच दिया और इस मूवी के लीड रोल में आमिर खान थे। ये मूवी 23 दिसंबर 2016 को रिलीज हुई थी। वैसे दोस्तों इन सब मूवी में से आपकी फेवरेट मूवी कौन सी है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। धन्यवाद।